मन चंगा तो कटौती में गंगा का कालजयी संदेश देने वाले परम ज्ञानी संत शिरोमणि रविदास जी की 446वीं जयंती रविवार को देश भर के साथ बेटमा में भी धूमधाम के साथ मनाई गई। जहां शाम को नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए चल समारोह निकाला गया, वहीं नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में भी श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही, जहाँ श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के दर्शन कर अरदास की व लंगर चखा। आकर्षक झांकी के साथ शोभा यात्रा बैठमा के ग्रिड रोड स्थित रविदास मंदिर से प्रारंभ होकर सागर रोड, आवास कॉलोनी, अंबेडकर मार्ग, सोसाइटी रोड, राजवाड़ा व अंबेडकर चौराहे से होते हुए वापस मंदिर के प्रांगण में पहुंची, जहां आरती पश्चात महाप्रसादी का वितरण किया गया। शोभा यात्रा के दौरान पुरुष, महिलाएं, बच्चे व बुजुर्ग शामिल हुए, जिसमें युवा, बच्चे व महिलाएं डीजे व ढोल की धुन पर खूब थिरकती नजर आए। शोभा यात्रा का कई मंचों से पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं नगर के ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में भी रविदास जयंती पर श्रद्धालुओं की भीड़ बनी रही, जहां श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर के दर्शन कर अरदास की और लंगर चखा। संत रविदास को रैदास जी के नाम से भी जाना जाता है। संत गुरु रविदास जी उन महान संतों में से एक है जिन्होंने समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को दूर करने के लिए लोगों को सच्चे मार्ग पर चलने की राह दिखाई। उन्होंने अपनी भक्ति भावना से पूरे समाज को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। बैठमा इंदौर से राजेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।